हेलो बेटा, सुन सकते हैं मुझे? जी जी वेरी गुड, जी सर, ओके ओके जी सर, जी बेटा ठीक है, अब कनेक्ट हो गया दोबारा। वो कनेक्शन का इश्यू हो रहा है सुबह से ही शाम, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। थैंक यू जी, अरसलान मुझे वेलकम बैक कह रहा है, थैंक यू सो मच। आप मुझे सुन सकते हैं? सब लोग मैसेज पे बता दिया करें, रादर देन कि आप माइक अपना अनम्यूट करें, मुझे मैसेज पे बता दिया करें कि आप मुझे सुन सकते हैं। चलें जी, वेरी गुड। हम लोग सर्किट स्विचिंग के बारे में जल्दी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग। एक तो था कि इनएफिशिएंसी है, और दूसरा उसका डिसएडवांटेज था कि डाटा रेट शुड बी कॉन्स्टेंट। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं स्पीड के साथ बोल रहा हूँ और रिसीवर इतनी स्पीड के साथ रिसीव नहीं कर पा रहा, तो कुछ हमारा डाटा जो है ना वो मिस हो जाता है, लॉस कर जाता है। जस्ट लाइक आजकल हम लोग व्हाट्सएप पर अपनी वीडियो कॉल करते हैं, कुछ फ्रेम मिस हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अगर मेरा कनेक्शन 2 MB का है और अगले पर्सन जिसको मैंने कॉल किया या जिसने मुझे कॉल किया उसका कनेक्शन 8 MB का है, तो उसकी स्पीड सेंड करने की ज्यादा है, मेरी स्पीड रिसीव करने की कम है, तो हमारे पास समटाइम ऐसे होता है कुछ फ्रेम मिस हो जाते हैं। वो जो फ्रेम मिस होते हैं वो वापस नहीं आते, डाटा लॉस हो जाता है। इस वजह से कहा गया है कि वॉइस कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली आप लोगों के पास क्या है कि डाटा रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो है डाटा रेट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, दोनों का डाटा रेट कॉन्स्टेंट होना चाहिए कि सेंडर और रिसीवर दोनों सेम स्पीड वाले हों, ताकि कोई डाटा लॉस ना हो सके। अगर मैं जल्दी से बोली जाऊंगा, स्पीड के साथ बोलता जाऊंगा, तो हो सकता है कि आप लोग उसको, मेरे वर्ड्स को रिसीव ना कर पा रहे हों। समटाइम आप कहते हैं जी कि आवाज़ जो है वो अटक अटक के आ रही है, रुक रुक के आ रही है, वो बेसिकली यही होता है। कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम भी हो सकता है और कुछ हमारे नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो पैकेट स्विचिंग इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है बेसिकली। पैकेट स्विचिंग बेसिकली दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इन दोनों डिसएडवांटेजेस को सॉल्व करता है, सर्किट स्विचिंग के डिसएडवांटेजेस को। वो क्या सॉल्व करता है, पैकेट स्विचिंग कैसे सॉल्व करता है, इसके लिए तो हम लोग बाद में देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करता है। लेकिन पैकेट स्विचिंग के लिए, पैकेट स्विचिंग को पहले समझ लें कि पैकेट स्विचिंग है क्या। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, उसके अंदर ये बेसिकली डाटा है, ये डाटा सेंडर ने सेंड करना था ये वाला। तो वो जो हम लोग नेटवर्क के अंदर बात करते थे ना जी कि पैकेट सेंड होता है, पैकेट सेंड होता है, पैकेट फॉरवर्ड होता है, पैकेट रिसीव होता है, वो बेसिकली ये है कि डाटा टू बी सेंड वो ये है, लेकिन नेटवर्क के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं वो एक वक्त में इतना डाटा कैरी नहीं कर सकते। सो क्या करना पड़ता है, फिर हमें उस डाटा को डिवाइड करना पड़ता है इनटू स्मॉल पैकेट्स। जस्ट लाइक हम कहते हैं जी कि इथरनेट का जो फ्रेम है ना, इथरनेट का जो फ्रेम है या इथरनेट प्रोटोकॉल है, वो 1500 बाइट्स लेके जा सकता है एक वक्त में। तो अगर हमारा डाटा 3500 बाइट्स का है, 3500 बाइट्स का है, तो फिर क्या होगा, उसके तीन पैकेट्स बन जाएंगे, दो 1500 बाइट्स वाले बन जाएंगे और एक 500 बाइट्स का बन जाएगा। तो ये तीन पैकेट्स बने हैं, और इन तीनों पैकेट्स को अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देखें, दो सेम साइज के हैं और एक छोटा है, ठीक है जी, दो सेम साइज के और एक छोटा। और जरा ये देखें उसने क्या लिखा, पैकेट हेडर। पैकेट हेडर क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करके आए थे कि हमारे पास हर प्रोटोकॉल अपना हेडर लगाता है, उस हेडर के अंदर, उस प्रोटोकॉल के हेडर के अंदर हमारे पास जो है वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। सो ये तो बाद की बातें, इसको हमने डिस्कस करना है कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैसी होती है। लेकिन यहां पर देखें कि पैकेट्स तीन बने, ये तीन पैकेट सेंड होंगे और ये तीन पैकेट रिसीवर को रिसीव होंगे। लेकिन ये कैसे सेंड हो रहे हैं, कैसे रिसीव हो रहे हैं, पैकेट पर मैकेनिज्म क्या है पैकेट स्विचिंग का, या पैकेट स्विचिंग कैसे अपना काम करती है, पैकेट स्विचिंग मेथड जो है वो अपना प्रोसेस कैसे करती है, उसके लिए हम लोग अगर इसको देखें डायग्राम को, फर्दर जो डायग्राम हमारे पास आ रही है, इस डायग्राम को जरा आपने देखना है। यहाँ देखें कि आप लोगों के पास सेंटर साइड पे तीन पैकेट्स हैं। बेटा फॉलो कर रहे हैं, आवाज आ रही है सबको?
चले वेरी गुड। तो ये देखें कि सेंडर और रिसीवर, सेंडर सेंडर और रिसीवर जो है हमारे पास, सेंडर और रिसीवर जो है हमारे पास, ये दोनों बने हुए हैं आपके सामने। सेंडिंग साइड पे तीन पैकेट्स हैं, 1, 2, 3, ये फॉरवर्ड करने हैं इस रिसीवर की तरफ, इसने रिसीव करना है। अब पैकेट स्विचिंग कैसे काम करती है, पैकेट स्विचिंग के अंदर हमारे पास काम कैसे होता है, इसको देखते हैं। पैकेट नंबर 3 जो है वो इस स्विचिंग नोड से इसकी तरफ मूव कर रहा है, पैकेट नंबर 1 और 2 इस स्विचिंग नोड से इस तरफ मूव कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अपनी डायग्राम नंबर सी पर आ जाएं, सी में देखें, पैकेट नंबर 3 इस नोड से इस तरफ मूव कर गया, पैकेट नंबर 2 इस नोड से इस तरफ मूव कर गया, और पैकेट नंबर 1 यहां से यहां मूव कर गया। और एट द एंड जाके आप लोग देख रहे हैं हमारे पास के पैकेट नंबर 3 किसी और रूट से गया है और पैकेट नंबर 1 और 2 किसी और रूट से गए हैं, और वो जाके आपके रिसीवर के पास रिसीव हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब क्या डिफरेंस बना इस अप्रोच में और सर्किट स्विचिंग के अप्रोच में, क्या डिफरेंस बना इस अप्रोच में और सर्किट स्विचिंग के अप्रोच में? हमारे पास जो डिफरेंस बना वो डिफरेंस ये है कि यहां पर कोई सर्किट नहीं है, फॉलो कर रहे हैं, यहां पर कोई एक सर्किट फिक्स नहीं हुआ, कोई पाथ डेडिकेटेड नहीं हुआ कि इसी पाथ को फॉलो करते हुए डाटा जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, पैकेट जो है वो डिफरेंट वेज को, डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए रिसीवर के पास पहुंच रहे हैं। जी, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का डिफरेंस क्लियर हुआ है सबको? जी बेटा मुझे बताएं, वेरी गुड। तो यहां पर हमारे पास कोई सर्किट नहीं बना था, यहां पर हमारे पास सर्किट स्विचिंग की तरह पहले सर्किट एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ा, हमें डाटा ट्रांसफर नहीं करना पड़ा, सर्किट को डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ा। यहां पर क्या है कि पैकेट स्विचिंग के अंदर, मैं बताता हूँ जी, डिफरेंस रिपीट कर रहा हूँ तरवीर अब्बास, मैं आप डिफरेंस रिपीट करता हूँ। पैकेट स्विचिंग के अंदर हमने ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं की कि पहले सर्किट एस्टेब्लिश होगा, फिर डाटा ट्रांसफर होगा, फिर सर्किट डिस्कनेक्ट होगा, नहीं की ना हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि पैकेट स्विचिंग के अंदर कोई कंसर्न नहीं है सर्किट का कि सर्किट एस्टेब्लिश होगा। पैकेट स्विचिंग क्या करता है, नोड रिसीव अ पैकेट, उसको फॉरवर्ड कर देता है अगले नोड की तरफ, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा है। अभी हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक नोड एक पैकेट रिसीव करता है और दूसरे नोड की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड कल हमने देखा था डायग्राम्स के अंदर कि हमारे पास एक पूरा सर्किट बनता है, एक पूरा सर्किट एस्टेब्लिश होता है, फिर डाटा ट्रांसफर होता है। लेकिन यहां पर पैकेट स्विचिंग के अंदर ये जो अप्रोच पैकेट स्विचिंग की हम लोग पढ़ रहे हैं या हमारे सामने इस वक्त है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी सर्किट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ना ही किसी ने किया। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस में हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि पैकेट सर्किट स्विचिंग के अंदर हमें सबसे पहले सर्किट एस्टेब्लिश करना पड़ता है, फिर उस सर्किट को फॉलो करते हुए डाटा ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर सर्किट को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी कि जी पहले सर्किट एस्टेब्लिश करो, फिर उस सर्किट को फॉलो करो, फिर उस सर्किट को डिस्कनेक्ट करो। ठीक है, तो तनवीर अब्बास आपको डिफरेंस क्लियर हो गया जी? तो ये बेसिकली हमारे पास जो अप्रोच है, डाटाग्राम अप्रोच इसको कहते हैं, ये पैकेट स्विचिंग की एक अप्रोच है जिसको डाटाग्राम अप्रोच कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सेंडर को रिसीवर के साथ कोई सर्किट एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता, सेंडर जस्ट अपने अपने नेक्स्ट नोड को, स्विचिंग नोड को डाटा सेंड कर देता है, नोड आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो फॉलोइंग द डिफरेंट पाथ, सेम पाथ भी फॉलो हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट पाथ ही फॉलो करना है, सेम पाथ फॉलो हो सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा सर्किट स्विचिंग के साथ कि सर्किट डेडिकेटेड नहीं होगा, कोई सर्किट बना नहीं है, सर्किट बनाया ही नहीं गया, सर्किट बनाने की जरूरत ही नहीं है। राणा साहब अपना माइक म्यूट ही रखें बेटा।
इमराना साहब को समझाएं थोड़ा सा, ऐसे के माइक ऑफ रखें। अच्छा जी, तो दूसरी बात ये कि ये जो अप्रोच आप लोगों के सामने हमें नजर आ रही है, डाटाग्राम अप्रोच इसको बोलते हैं, ये आप लोगों के पास पैकेट स्विचिंग की एक अप्रोच है कि पैकेट स्विचिंग कैसे काम करता है। बेसिकली पैकेट स्विचिंग की दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है डाटाग्राम अप्रोच और एक होती है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। नोट करते जाएं साथ साथ, नोटबुक अपने पास रखें। पैकेट स्विचिंग की बेसिकली दो अप्रोचेस होती हैं, अरसलान अकरम का क्वेश्चन है जी, आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा जी कि वो कर सकते हैं। अभी तो मैंने कहा जी कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेटा बोला है कि सेम पाथ को फॉलो किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट ही फॉलो करने हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन योर स्विचिंग नेटवर्क। स्विचिंग नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि स्विचिंग नोड क्या कर रहे हैं। बेटा दोनों साइड्स पे एक नेटवर्क एंटिटी होती है, दोनों साइड्स पर एक नेटवर्क एंटिटी होती है। हमारे पास कभी भी डाटा, स्पेशली हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इसके अंदर कभी भी डाटा जो है, कहा जाता है जी कि डाटा जो है वो कभी भी सीक्वेंस में आ सकता है और कभी भी सीक्वेंस में नहीं भी आ सकता। तो नेटवर्क एंटिटी जो है वो आप लोगों के पास क्या करती है, नेटवर्क एंटिटी बेसिकली आप लोगों के पास इसको सीक्वेंस में करके आपको देती है। आप लोगों ने मोबाइल कम्युनिकेशन में देखा होगा, आपने कभी देखा है मोबाइल कम्युनिकेशन में वो जो पुराने सेल फोन से उनके अंदर हमें एक लेंथी मैसेज आता था, एक ऊपर वाला पार्ट आ जाता था, उसका दूसरा पार्ट आ जाता था और दरमियान में लिखा होता था सम टेक्स्ट मिसिंग। कभी देखा आप लोगों ने, नोट किया? तो इस वो जब वो सेकंड पार्ट जब रिसीव होता है तो वो दरमियान में आता है, तो सेल फोन को कैसे पता चलता है कि ये जो मेरे पास लास्ट पे पार्ट आया है ये दरमियान वाला है, सेकंड नंबर है। इट मीन्स के देयर एग्जिस्ट अ नेटवर्क एंटिटी जो कि आप नेटवर्क नंबर को देखती है। ये जो नंबर लिखे हुए ना 1 2 3, दीज आर द सीक्वेंस नंबर, जिनको कहते हैं सीक्वेंस नंबर, ये जरूरी होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर लगाए जाते हैं जब टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है। टीसीपी भी याद रखना है, ये जो 1 2 3 है ये बेसिकली सीक्वेंस नंबर्स हैं, ये सीक्वेंस नंबर्स ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर लगाए जाते हैं जब टीसीपी प्रोटोकॉल अपना काम करता है। जी बेटा आवाज आ रही है अब मेरी? अब तो शोर नहीं आ रहा, मैंने सबका माइक म्यूट कर दिया है। अगर किसी को माइक पे बात करनी होगी मुझे बता देना, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, अनम्यूट कर दूंगा। आवाज आ रही है मेरी सबको? मेरी आवाज सबको आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? चले वेरी गुड। ये बहुत मसला है, अब इंटरेक्टिव सेशन के अंदर इस तरह लेक्चर देना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो गया है, हमें अब ये बार बार पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बच्चे कनेक्ट भी हैं या नहीं है, ये ना हो कि हम बोल के चले जाएं और किसी को समझ ना आ रही हो। तो बेटा ये सीक्वेंस नंबर्स हैं, ये सीक्वेंस नंबर्स लगाना लाजमी होते हैं पैकेट्स को। जब आप एक डाटा को डिवाइड करते हैं तो इन सीक्वेंस नंबर की बेस के ऊपर डाटा को सीक्वेंस में किया जाता है। और जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि सेम पाथ फॉलो किया जा सकता है, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द स्विचिंग नेटवर्क। और मैंने कल आपको बताया था कि स्विचिंग नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं जो कि रूट डिफाइन करते हैं कि इस पैकेट ने किस रूट को फॉलो करना है। वो डिफरेंट रीजंस होती हैं, नंबर ऑफ होप्स आ जाती हैं, डाटा रेट आ जाता है, ट्रैफिक आ जाती है, वो बाद में जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो वहां जाकर देखेंगे। यहां तक के लिए इतना सा काफी है कि किस पाथ को फॉलो करना है ये आपके स्विचिंग नेटवर्क ने डिफाइन करना है, वो आपने डिफाइन नहीं करना। ठीक है जी, होप्स हो के क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के पास इसको फर्दर मूव करते हैं। ये हम लोग, मैंने आपको बताया कि ये डाटाग्राम अप्रोच है जो हम लोग पढ़ रहे थे, डाटाग्राम अप्रोच। अब इस डाटाग्राम अप्रोच में और सर्किट स्विचिंग की अप्रोच में दोनों में डिफरेंस हमें क्लियर हो गया है। अब इसका एडवांटेज बताएं मुझे क्या है, जो भी हमने पढ़ा है इसका एडवांटेज मुझे बताएं क्या है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसका क्या एडवांटेज हो सकता है सर्किट स्विचिंग के अगेंस्ट।
सुभान ने लिखा है जी एफिशिएंट है। ये एफिशिएंट क्यों है? एफिशिएंट इसलिए है ये कि कोई भी पाथ डेडिकेटेड नहीं है, कोई भी स्टेशन किसी भी स्टेशन का डाटा किसी भी नोड के थ्रू किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए रिसीवर तक जा सकता है जी, दूसरे पाथ से भी डाटा जा सकता है, किसी भी पाथ को कोई भी डाटा किसी भी स्टेशन का डाटा जो है वो फॉलो कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो कोई डेडिकेटेड सर्किट नहीं होता। एक दूसरी अप्रोच है आपके पास आपके पैकेट स्विचिंग की, जिसको वर्चुअल सर्किट अप्रोच कहते हैं। ये डाटाग्राम अप्रोच है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ डाटाग्राम अप्रोच, ये लिखा हुआ है आपकी डाटाग्राम अप्रोच है। नीचे चलते हैं, नीचे आप देखेंगे कि इसके पास हमारे पास इसकी एक अप्रोच आएगी जिसको वर्चुअल सर्किट अप्रोच कहते हैं, शायद ये ऊपर मैं जो छोड़ गया हूँ उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जैसे अभी हम लोग ये डायग्राम को देख लें, इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम जो आपके सामने आ रही है, इस डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोग इसको समझ पाएंगे और एफिशिएंटली। ये दूसरी अप्रोच है आपकी पैकेट स्विचिंग की, इस अप्रोच को कहते हैं वर्चुअल सर्किट अप्रोच। इस अप्रोच को क्या कहते हैं जी? वर्चुअल सर्किट अप्रोच। अब जरा कंसंट्रेशन के साथ इस डायग्राम को देख लें, कंसंट्रेशन के साथ इस डायग्राम को देख लें कि इस डायग्राम के अंदर दोनों स्टेशन के दरमियान एक वर्चुअल सर्किट बना हुआ है। डॉटेड लाइन शोज द वर्चुअल सर्किट, डॉटेड लाइन शोज के देयर इज अ वर्चुअल सर्किट बिटवीन दिस स्टेशन एंड दिस स्टेशन। इस डायग्राम को आपने कंसंट्रेशन के साथ देख लिया है। अब हम लोग जरा सर्किट स्विचिंग के डायग्राम देखते हैं, ऊपर जाते हैं। ये दोनों डायग्राम में कोई डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? अगर सर्किट स्विचिंग में भी सर्किट एस्टैब्लिश हो रहा है, पैकेट स्विचिंग में भी सर्किट एस्टैब्लिश हो रहा है, तो फिर फर्क तो कोई नहीं है, डिफरेंस तो कोई नहीं है। कोई डिफरेंस है तो मुझे बताएं, मैसेज पे मुझे लिख के बता दें कि दोनों में कोई डिफरेंस आपको लग रहा है। सर्किट स्विचिंग में भी यहाँ पर सर्किट बना हुआ है दो डिवाइसेस के दरमियान में, और वर्चुअल सर्किट अप्रोच में भी हमारे पास सर्किट बनता है, तो मुझे बताएं। जुनेद अहमद कह रहा डाटा पैकेट्स में जा रहा है, नहीं ये डिफरेंस नहीं है जी। कोई और पर्सन? नहीं, नो ट्रंक्स। ट्रंक्स तो एक डिवाइस के तौर पर यूज की जाती है ना अल्लाह के बंदे। प्रवीर अब्बास कह रहा है देयर इज नो ट्रंक्स। ट्रंक्स तो डिवाइस के तौर पर यूज हो रहा है। मैं बता देता हूँ जल्दी से ताकि हम लोग आगे मूव करें। वर्चुअल सर्किट अप्रोच और सर्किट स्विचिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि सर्किट स्विचिंग में हमारे पास जो सर्किट बनता है वो डेडिकेटेड बनता है, लेकिन वर्चुअल सर्किट के अंदर हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो डेडिकेटेड नहीं होता। ठीक है जी, याद है, फॉलो कर लिया आपने? सर्किट स्विचिंग के अंदर जो सर्किट बनता है वो डेडिकेटेड होता है, हमने कल वर्ड भी डेडिकेटेड यूज किया था, लेकिन वर्चुअल सर्किट अप्रोच ऑफ पैकेट स्विचिंग के अंदर जो सर्किट बनेगा वो सर्किट डेडिकेटेड नहीं होगा। उस सर्किट को या उस पाथ, सर्किट को तो नहीं कह सकते, उस पाथ को दूसरे स्टेशन के डाटा के लिए भी यूज किया जा सकता है, उस पाथ को दूसरे स्टेशन के डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब आप ही चलते हैं जरा उसी डायग्राम के ऊपर जो सर्किट वर्चुअल सर्किट अप्रोच की है। ये ले, इसी वजह से यहां पर डॉटेड लाइन शो की गई है। अब इसका फायदा क्या है? वर्चुअल सर्किट अप्रोच और डाटाग्राम अप्रोच में क्या डिफरेंस है? डाटाग्राम अप्रोच में आप लोगों के पास डाटाग्राम अप्रोच से और वर्चुअल सर्किट अप्रोच से डिफरेंस बेटा ये है कि डाटाग्राम अप्रोच में हमारे पास डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करते हुए पैकेट्स मूव कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल सर्किट अप्रोच का बेनिफिट क्या है? वर्चुअल सर्किट अप्रोच का बेनिफिट ये है कि एक ही पाथ को हमेशा फॉलो करना है इन दो स्टेशंस के लिए, इन दो स्टेशंस की कम्युनिकेशन के लिए हमेशा एक ही पाथ को फॉलो करना है। हमेशा से मुराद जब तक उनकी कम्युनिकेशन हो रही है जो सर्किट उन्होंने डिफाइन किया है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच का फायदा यह है कि स्विचिंग नोड को
बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि कहां से डाटा आया है, किस तरफ किस स्विचिंग नोड पर मैं फॉरवर्ड करूं या किस पाथ पे मैं इसको फॉरवर्ड करूं। सिर्फ ये देखेगा कि ए से डाटा आया है, ए से डाटा आया है, ई की तरफ जाना है तो क्या होगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि ए से आया है, ई की तरफ जाना है तो इस सर्किट पे फॉरवर्ड कर दो, बस। बाकी कोई चीज डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, डिसाइड नहीं करनी पड़ेगी कि जी हम लोग ये इसको मैं किस पाथ पर फॉलो करूं, किस पाथ को फॉलो करते हुए डाटा जो है वो ई तक पहुंचेगा। इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो रीड नहीं करनी पड़ेगी। पाथ यहाँ डेडिकेटेड नहीं है मोहम्मद सुभान, पाथ यहाँ डेडिकेटेड नहीं है। इस पाथ को दूसरे स्टेशन की कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अगर इस नोड के साथ एक और स्टेशन कनेक्टेड है और इस नोड के साथ एक और स्टेशन कनेक्टेड है तो वो दो स्टेशन भी इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। डेडिकेटेड नहीं है, अगर ये डेडिकेटेड होता तो ये सर्किट स्विचिंग ही बन जाती, अगर ये डेडिकेटेड होता तो ये सर्किट स्विचिंग ही कंसिडर होता, तो ये डेडिकेटेड नहीं है। दो, अगर मैं कहूं जी कि यहां पर एक स्टेशन टी है और यहां पर एक स्टेशन जे है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो दिस पाथ कैन बी फॉलोड बाई पैकेट्स ऑफ टी एंड जे। जी क्लियर है सबको, रिस्पॉन्ड करें जरा मैसेज पे, सबको क्लियर है ताकि मुझे पता चले मैं आगे मूव करूं। तो यहां पर बेटा हमारे पास बेसिकली बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ज़ुएब यूसुफ को क्लियर नहीं है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट वर्चुअल सर्किट का ये है कि हमें बार बार इस नोड को ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि मैं किस तरफ को फॉरवर्ड करूं, इस तरफ को फॉरवर्ड करूं या इस तरफ को फॉरवर्ड करूं, क्योंकि आप लोग यहां से भी जा सकते हैं। अब क्या हुआ कि सर्किट बन गया, अब सिर्फ वो ये देखेगा कि ए से आ रहा है, ई की तरफ जाना है, इस पाथ पे फॉरवर्ड कर दो बस, क्योंकि सर्किट डिफाइंड है, क्योंकि सर्किट डिफाइंड है। ये लुटन जाफरी कौन है, लंदन जाफरी साहब, आप थोड़ा सा ऐसा करेंगे अपना नाम रोल नंबर चेंज करें, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहां से और आपकी टेंडर्स का भी इश्यू होगा। लंदन जाफरी मुझे सुन रहे हैं आप? जी लंदन जाफरी साहब, होप सो कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपना नाम रोल नंबर लिखें, अदरवाइज टेंडर तो लंदन जाफरी की होती जाएगी, आप तो एब्सेंट कंसीडर होंगे, फिर आपकी टेंडर शोर्ट हो जानी है। हमारी मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, हम लोग आगे मूव करते हैं, अब ऊपर जाते हैं वापस। अब होप सो कि आपको डाटाग्राम अप्रोच में और दूसरी अप्रोच में दोनों में फर्क क्लियर हो गया है, विर्चुअल सर्किट अप्रोच में। अब हम लोग इधर आ रहे हैं जी के पैकेट स्विचिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, पैकेट स्विचिंग के बेनिफिट्स की तरफ आ जाए। ये पैकेट स्विचिंग के बेनिफिट्स हैं, मैं स्पीड के साथ आपको बताता हूँ। पहला बेनिफिट उसका ये है कि लाइन एफिशिएंसी ग्रेटर होती है। डेफिनेटली बेटा सर्किट स्विचिंग का नबील अहमद का क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा। सर्किट स्विचिंग इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तो सर्किट स्विचिंग में जो इनएफिशिएंसीज थी उनको खत्म करने के लिए पैकेट स्विचिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो डेफिनेटली जो डिसएडवांटेज था वहां पर सर्किट स्विचिंग के अंदर उसको दूर किया गया, तो पैकेट स्विचिंग के अंदर वो चीज जो है वो एडवांटेज में कन्वर्ट हो गई कि पाथ डेडिकेट नहीं है, सर्किट डेडिकेटेड नहीं है, कोई भी डाटा उस पाथ को, उस सर्किट को यूज कर सकता है। और असलान अकरम का क्वेश्चन है सर, हाउ डू दे डिसाइड टू विच पाथ दे फॉलो इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। बड़ा इन्फॉर्मेशन हर पैकेट के साथ होती है, इन्फॉर्मेशन हर पैकेट के साथ होती है, उस इन्फॉर्मेशन को रीड करके ही स्विचिंग नोड डिसाइड करता है कि डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है, मैं इसको किस पाथ पे भेजूं, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन कल हमने डिस्कस किया था कि पूरी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन ये स्विचिंग नोड आपस में एक दूसरे को सेंड फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जब डाटा ए ने ई को भेजा था तो डाटाग्राम अप्रोच होगी, तो हर पैकेट जब भी एक स्विच नोड के पास आएगा, हर पैकेट के टाइम स्विचिंग नोड को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसको किस पाथ पर फॉरवर्ड करूं। लेकिन अगर वर्चुअल सर्किट अप्रोच होगी तो उसको ये नहीं, ये उसका ये काम कम हो जाएगा, उसका ये काम कम हो जाएगा जो उसको बार बार डिसाइड करना पड़ रहा है कि मैं किस पाथ पर भेजूं,
वो सिर्फ इतना देखेगा कि ए से आया है, ई को जाना है, तो ये फलाना सर्किट बना हुआ है, इसके ऊपर फॉरवर्ड कर दो, बस वो सर्किट जानने, अगला स्विचिंग नोड जानना है। जहीम हुसैन कह रहे हैं इसमें डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी कितनी है। अभी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं ना इसके, फिर खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी कितनी है। डेटा लॉस के चांसेस तो बेटा हमारे पास होते ही हैं, डेटा अभी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ भी हो सकता है लॉस हो रहा हो, ठीक है जी, हम लोग वीडियो कम्युनिकेशन करते हैं वहां भी हो सकता है लॉस हो रहा हो, हम लोग अपना कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कोई दूसरा काम करते हैं वहां भी डाटा हो सकता है लॉस्ट हो रहा हो। तो अभी हम लोग ये अभी आप लोग पढ़ेंगे ना एडवांटेज आपको क्लियर हो जाता है। तो लाइन एफिशिएंसी जैसा कि यहाँ देखें, मैं स्पीड के साथ इनको गो थ्रू करूंगा ताकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। लाइन एफिशिएंसी इज ग्रेटर, इसका मतलब क्या है कि हर लाइन को किसी भी स्टेशन के डाटा के लिए यूज किया जा सकता है, कोई सर्किट डेडिकेटेड नहीं होता। अदरवाइज क्या हो रहा था, अदरवाइज कल हम कह रहे थे जी कि लाइन सारी डेडिकेटेड हो जाती है, जब लाइन डेडिकेटेड हो जाती है तो फिर नया कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो कनेक्शन डिनाई हो जाता है जी, हमारे पास सर्किट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था, होप्स हो कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि लाइन एफिशिएंसी ग्रेट हो जाती है कि हमारे पास कितना कितना हमारे पास जो है वो किस किस का डाटा कहाँ कहाँ सेंड हो सकता है। पैकेट स्विचिंग के अंदर हमारे पास डाटा रेट जो है वो डिसएडवांटेज था आपकी सर्किट स्विचिंग का, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डाटा रेट जो है वो डिफरेंट भी होगा तो काम चलता है, क्योंकि सेंडर ने पैकेट्स सेंड कर दिए हैं, अब रिसीवर उसको कब रिसीव कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ रिसीव कर रहा है, ये आपके स्विचिंग नोड्स का कंसर्न है कि वो कितनी स्पीड के साथ डाटा को सेंड कर रहे हैं, कितनी स्पीड के साथ डाटा को सेंड नहीं कर रहे हैं। तो कोई सर्किट एस्टेब्लिश नहीं ना हो रहा, कोई सर्किट एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, इस वजह से डाटा रेट शुड बी डाटा रेट मे बी डिफरेंट, शुड बी नहीं मे बी डिफरेंट, डिफरेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो उससे प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। वहां पर यह था कि डाटा रेट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और जब आप लोगों के पास ट्रैफिक जरा थोड़ी सी हैवी हो जाती है तो कुछ ट्रैफिक कॉल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको आप देखते हैं ना नेटवर्क बिजी का मैसेज आता है जी, फॉलो कर रहे हैं, नेटवर्क बिजी का मैसेज आता है समटाइम हमें, वो क्यों आता है, कल हमने डिस्कस किया था, इसलिए आता है कि कोई चैनल अवेलेबल नहीं है, कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बस आप फॉरवर्ड करते जाएं, आप सेंड करते जाएं, यहाँ कोई इशू वाला इशू ऐसा इशू नहीं है जी कि आपके पास कोई सर्किट अवेलेबल नहीं है तो आप डाटा सेंड नहीं कर सकते। आपने जब सर्किट बनाया नहीं, आपने तो सिर्फ उसको डाटा फॉरवर्ड करना है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं। तो जब आप लोग कनेक्टेड हैं किसी के साथ तो आप लोगों के पास डाटा उसकी तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आपको ऐसा कभी भी मैसेज नहीं आएगा कि जी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, सर्किट अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर ट्रैफिक हैवी हो जाती है तो आप लोगों के पास, डेफिनेटली हम लोग कहते हैं कि जब ट्रैफिक हैवी हो जाती है नेटवर्क के ऊपर तो स्पीड कम हो जाती है। शाम के टाइम इंटरनेट यूज करें ना, आजकल तो ज्यादा लोग ज्यादा टाइम फ्री होते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में कोरोना से हटके, छुट्टियों से हटके, आप नॉर्मल डेज में मुझे बताएं शाम को 8-9 बजे